जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सामूहिक प्रणाम कर कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। हेलो 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 श्री माता जी, आप ही सर्वकर्ता, आप ही सर्वभोक्ता हो। हम तो केवल आपके दिव्य प्रेम के माध्यम है माँ। हम अपने आप को और सबको एक साथ क्षमा करते हैं माँ। जाने अनजाने में हमने आपकी शान के खिलाफ कोई गलत कार्य किया हो तो कृपया उसके लिए हमें क्षमा करने की कृपा कीजिए। आप तो क्षमा के सागर हो माँ। कृपया आप हमें अपने चित्त में लेने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि में लेने की कृपा कीजिए माँ। आपकी छत्र छाया में लेने की कृपा कीजिए माँ। श्री माता जी के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। चित्तपुरा अपनी आत्मा और परमात्मा में श्री माता जी कृपया हमें सभी भ्रांतियों से दूर कर दीजिए, सभी मिथ्याओं से दूर कर दीजिए और हमें आपके श्री चरणों में समाहित कर लीजिए। सभी विचारों को नकारते हुए तीन महामंत्र सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः ओ त्वा
तमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गौरी माता कुंडलनी श्री गौरी माता कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय ओ तमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दयानाथ पृथ्वी माँ पे बाएँ अपनी गोद में चित अपना बाएँ भाग पर और मन ही मन प्रभु जी श्रीमाता से प्रार्थना करेंगे। प्रभु श्रीमाता जी कृपया हमारे शरीर के बाएँ भाग के सभी दोषों को आप अर्थित्व में विलीन कर दीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी के सभी दोषों को पृथ्वीतत्व में विलीन कर दीजिए। हमारे तमोगुण के सभी दोषों को पृथ्वी में विलीन कर दीजिए। हमारे भूतकाल से आने वाली सभी बाधाओं को पृथ्वी में विलीन कर दीजिए। माता जी कृपया आप हमारी सभी अशुद्ध इच्छाओं को पृथ्वीतत्व में विलीन कर दीजिए और हमारी एकमात्र शुद्ध इच्छा जो परमात्मा को पाने की है उसको दृढ़ कर दीजिए।
हमारे बाएं भाग पर श्री महाकाली और श्री भैरव की शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया आप हमारा चित्त सभी सांसारिक चिंताओं से, वस्तुओं से, बाधाओं से हटाकर हमारी आत्मा में लीन कर दीजिए, हमारी आत्मा को आलोकित कर दीजिए, हमें आत्मस्वरूप बना दीजिए, हमारे आत्म तत्व को विकसित कर दीजिए, हमारे प्रेम तत्व को विकसित कर दीजिए और हमारी ब्रह्म ग्रंथि को खोल दीजिए। यह मंत्र लेंगे, ब्रह्म ग्रंथि विभेदनी। ओ त्वमे साक्षात् श्री ब्रह्म ग्रंथि विभेदनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दैनात्म गोद में बाया आकाश की तरफ अपना चित्त दैन्य भाग पर परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हमारे शरीर के दैन्य भाग के सभी दोषों को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारी पिंगला नाड़ी के सभी दोषों को आकाश में विलीन कर दीजिए। हमारे अहंकार को, कर्ता भाव को आकाश में विलीन कर दीजिए। हमारे रजोगुण के सभी दोषों को आकाश में विलीन कर दीजिए। कृपया हमारे दैन्य भाग पर श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री हनुमान जी, कृपया मैं आपके सभी गुण प्रदान कीजिए, आप जैसा बल बुद्धि विवेक दीजिए, आप जैसी तत्परता दीजिए, आप जैसी स्फूर्ति दीजिए, आप जैसी भक्ति दीजिए और भक्ति और शक्ति का संतुलन प्रदान कीजिए। मैं श्री माता जी, हम हमारे अहंकार को, कर्ता भाव को, हमारा सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कृपया हमें आपके दिव्य प्रेम और दिव्य कार्य का माध्यम बना दीजिए और हमारी विष्णु ग्रंथि को खोल दीजिए। मंत्र लेंगे, विष्णु ग्रंथि विभेदनी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु ग्रंथि विभेदनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ अपने गोद में और अपने चित्त को सभी चक्रों पर डालते हुए अपने सहस्त्र पर लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमें भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर दीजिए, हमें वर्तमान में कर दीजिए, हमें वास्तविकता में कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया आप परमात्मा की खोज के प्रति हमारे सभी तरह के बनावटीपनों को दूर कर दीजिए,
हमें हकीकत में कर दीजिए, वास्तविकता में कर दीजिए। हमारी आत्मा का परमात्मा से एकाकार कर दीजिए और हमारे रुद्र ग्रंथि को खोल दीजिए। श्री रुद्र ग्रंथि भी वेदनी ओ त्वमेव साक्षात् श्री रुद्र ग्रंथि विवेदनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्तपूर्वक अपने सहस्त्रार्थ पे रवि को विचार आ रहे हैं तो कृपया उनको नकारें। श्री माताजी हमारे विचार नहीं है, कृपया आप हमारे ध्यान में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए, हमें निर्विचार कर दीजिए, हमें परम दीजिए, मोक्ष दीजिए, आपकी शक्ति दीजिए, आपकी अनन्य भक्ति दीजिए, हमें अलौकिक कर दीजिए, हमें निर्लिप्त साक्षी कर दीजिए। मैं हमें विराट कंग प्रत्यंग बना दीजिए, सीमा दीजिए। हम केवल सुस्वरूप आत्मा है माँ, केवल आत्मा है माँ। आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, श्री आत्मा परमात्मा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्विचार ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्विकार ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी स्थिति में अपने सहस्त्र से श्री माता जी अमृतवाणी को सुनेंगे और उसको आत्मसात करेंगे।
सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और ये नहीं जानते कि आनंद का स्रोत कहाँ है। सत्य तो ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं और संस्कार ये उपाधियां नहीं है। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा, ये एक सत्य हुआ। और दूसरा सत्य यह है, जैसे कि आप ये सारे यहाँ पे सुंदर फूलों की सजावट देख रहे हैं, न जाने कितने सारे आपने लगा दिए। ये फूल भी तो एक चमत्कार है कि एक बीज को आप लगा देते हैं इस पृथ्वी में और इस तरह के सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिल उठते। हम इसे चमत्कार समझते नहीं। डॉक्टर से पूछे कि हमारा हृदय कौन चलाता है तो वो उसका नाम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वयंचालित। लेकिन यह स्वयं है कौन, इसका वो निदान नहीं बता सकते। साइंस में आप एक हद तक जा सकते हैं और वो भी ये जड़ चीजों के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ खोजते हैं वो पहले ही बना हुआ है, उसको वो समझा सकते हैं। लेकिन साइंस की अपनी अनेक सीमाएं हैं और सबसे बड़ी उसकी ये सीमा है कि केवल सत्य को उन्होंने प्राप्त किया। और इस वजह से साइंस एक हद तक जाता है, फिर उसके खोज में दूसरी खोज आएगी, फिर तीसरी खोज आ जाएगी और पहली खोज को मना कर देते हैं, फिर दूसरी खोज को मना कर देते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि साइंस में कोई नीति का प्रबंध नहीं, नीति के बारे में कोई विचार नहीं, इमोरल है। तो सिर्फ साइंस के बूते पर जो लोग चलेंगे, जब तक वो अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उनकी जो इतनी बड़ी प्रगति हो गई है और जो इतना विशाल उनका स्वरूप एक पेड़ के भांति खड़ा हुआ है, जब तक उसकी जड़ें वो खोजेंगे नहीं, हो सकता है ये सब नाशवान है और सब नष्ट हो जाए। और इस तरह की आशंका बहुत लोगों को हो रही है। इसकी जड़ें आपके इस भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में अनेक हजारों वर्षों से लोगों ने आत्मा में चिंतन किया और उसकी अनेक विचारधाराएं निकली। अंत में जाकर वो समझ गए कि आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते, हमें किसी तरह की भी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं आ सकता। तो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की जो चैतन्य सृष्टि है, जो ये सारे कार्य को करती है और जिसे हम यू भी मान लेते हैं, इस आनंद की सृष्टि जो है, ये परमात्मा का प्यार है। साइंस के इस जमाने में परमात्मा की बात करना भी दुश्वार है, लेकिन आप माने न माने परमात्मा है,
और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, उन्होंने रचना की है, और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति जिसे हम परमात्मा की चैतन्य ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं। आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं, आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया, और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना, और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं, और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है, और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, जिसे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेजों से, इनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को हमारे देश में इतने शान से, जबरदस्ती से रहते थे, कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहां की गंदगी अभी आप तक पहुंची नहीं, नसीब समझ लीजिए, लेकिन वहां तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है, और सर्वनाश की ओर तेजी से चले जा रहे। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाए। सब लोग त्रस्त अंदर से खोखले हो रहे हैं, और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था परमात्मा के प्रति, नम्रता, और अंदर में जो धर्म या कल्पना कि ये चीज गलत है और ये चीज सही, उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूँ कि जिस जंगी में फंसे हुए थे वहां से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए, और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर हिंदुस्तानी अटकता बहुत साफ, मुझे आपको बताना हो। अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मरतबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह है, पांडवों की जगह है, यहाँ घर का बड़ा भारी संग्राम हुआ था, और बड़ी ही वहाँ स्वच्छता होगी, किन्तु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए, कहे कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गया, और उसी से हम परेशान, अब हमारे को कैसे वाइब्रेशन आएंगे। मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उसके पूरे मुंह पे झुर्रियां, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था, कहला माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहां जाता हूँ, और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 पर काम रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे, और थर 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 वो काम रहे। आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की जरूरत क्या। मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहां बड़ी बड़ी वो लगी रहती है सेवा की पेटियां, उसमें डाली,
और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहां जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये झूठा। फिर कोई और आए, फिर कोई आए, ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? पहले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है वो हमें मालूम है बेचारे। पहले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लिमिटेट होंगे, और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या जरूरत है, ऐसी मोटरें काफी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की जरूरत है। अभी अमेरिका में एक महाशय है, मैं नाम बताऊं उनका, प्रवीण मेहता के कुछ चाप चोपड़ा चोपड़ा, वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है, ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिर? अरे हजारों लोग उनके पीछे, और हिंदुस्तान, अमेरिकन तो बेवकूफ है, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते हैं, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया, नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना। देहरादून में भी बीमारी है क्योंकि आते साथ में समझ गए यहाँ बाप ने, नेगेटिविटी इतनी गरा जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे, आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता, इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूम आती नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते, ना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स हो के मरा, ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात हो गए। जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया वो तो सुना नहीं, और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए हैं, महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुनी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी, ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा, और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहाँ ये काली विद्या आई वहां गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लगे, चलो वो भी इससे बेहतर, उससे तो आसानी से छूट जाए। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझेगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविजन लेके जाए और उसे कहे कि ये डब्बे के अंदर, डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई दे, और ये इसमें फिल्में दिखाई दे, वो कहेंगे भाई ये क्या डब्बा डिब्बा लाए हो,
और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है। पर जैसा ही उसका कनेक्शन मेन से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल क्या आप में कितनी शक्तियां, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी ही जगह जाना चाहते हैं जहां आप रुक जाएं, जहां आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट पंच किया, हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे। कोई पता तो लगाए, अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कहले बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला। तो पहली चीज आपको ये सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया गुरु वही जो साहिब मिले, साहिब मिले माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं माना, साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, कोई तो सच्ची बात लिखी। अगर हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहां कारपेट बिछी थी, वहां ये था वो था, अरे भाई ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लू तो मैंने आपका क्या ले लिया, और जो पैसा देगा उसकी तारीफ। जो पैसे पे झुक गए हैं, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़ी ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के कि आप उठ नहीं सकते, ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? पैसे के इस पर लड़ाई झगड़े ये वो, ये बड़ी गलत फहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने किसी को नहीं देखा, पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों नहीं इसे मान ले और इसे प्राप्त कर। पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर है, वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म भगवान ये है, वो रशिया को देखिए जहाँ भी आए हुए, जहाँ को जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार बगा कोई वहां टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतजाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सजोगे हैं। ये कैसे होगा? क्योंकि इनके यहां पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था, इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की, अब पैसा मिल गया अब क्या करें,
कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाए कभी, बेकार की जगह। तो बड़े रही साथ में, मुझे कहने लगे तुम मेरी घर आओ, बहुत जिद की, तुम्हारे कहते चलो। आ गए तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाया। तो कहले जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों, उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है, ऐसी मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा साधा हो, मैं देहाती इंसान, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहले ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या, ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला। मैंने कहा मैं जमीन पर सो जाती भाई, मेरे को जीने चाहिए। इस तरह के इन लोग अपने पैसे लगाते हैं, बेवकूफ, इतने महा बेवकूफ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों को, बेवकूफ, बहुत एडवांस्ड बेवकूफ है। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी, ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे, वहां 4-5 हजार लोग जाके पहुंचे। और उसकी जो, इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया अपने से 20 साल छोटे से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह, तो सब पहुंच गए 3-4 हजार लोग। और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहां घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफी के अपने यहां 4 आदमी भी नहीं मिले, कितनी अकल है, अकल बहुत है। लेकिन अपनी अकल रखे, दूसरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वहां तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस पूछे नहीं, जिससे पूछे तो उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल गई, जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं पीने को। हिंदुस्तानी लोगों को बात कर रहे हो, गए जो इतने ऐसे अकल है, किस तरह से किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहां कितने महान लोग, एक से एक, इसका नाम ले और क्या। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक्त के सभी लोग ऐसे, और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कहा। इसका संबंध हर एक चीज से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे है, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे है, सब चीजों से इसकी संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा, और अगर उसको एक में वो सत्य पता चले तो झगड़ा किसका बात, वाद विवाद आर्ग्यूमेंट, जब सभी लोग एक ही चीज देख रहे हैं। अब हम आपके सामने बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अब इस पर कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, माँ है ही नहीं है। और जब सभी एक ही हाथ से एक ही चीज को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा। लेकिन अगर आप की आंखों से आप एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, लगे लड़ने, तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं, बातें करेंगे शांति। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला, इतने गरम मिजाज
और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब चपट्टा मार के पकड़ लिया। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला, जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड लेके। लेकिन जो बहुत जरूरी बात समझने की हुई कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये गलत बात इसे नहीं करें, पर वो उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पोते पर खड़े। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं यहाँ पर परदेशी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते, इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे, रईस लोग। जितने रईसों के लक्षण थे इनमें, लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल। उसपे उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिंदगी इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर, और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले, जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है, और मनुष्य के जितने भी प्रश्न है या तकलीफें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाए, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए, और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए। इसलिए आपको सामूहिक आराम। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहां मैं कैसे जाऊं, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें, लेकिन वहां भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है, उसमें क्या बैठे ही बैठे, इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है, उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया। आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें, और आपके लिए घटित होना बहुत जरूरी। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने अगर प्राप्त नहीं किया आज रात को तो वो सेंटर पे जाएं, और मैं कहती हूँ ऐसा कोई नहीं जो बच सके, सब लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके। समाज उसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी है, इस वक्त बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी हजारों में ये कार्य होगा, और ये अनादिकाल से होता आया है, कोई मैं ही करती इस बात है। लेकिन पहले एक गुरु एक ही शिष्य को देते थे, आज सहयोग में हजारों लोग एक साथ सामूहिक से पार हो जाते, पर उनमें से कितने लोग जमते हैं और देखना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने बताया कि कुछ बीज है उसमें अंकुर निकल आए लेकिन वो रेत में पड़ गए, और कुछ बीज है वो पहाड़ी पर सूख कर खत्म हो गए, लेकिन कुछ बीज है अच्छे जमीन पर पड़ गए और उसके वृक्ष तैयार। यहाँ तो आपकी बहुत बड़ी फॉरेस्ट्री वगैरह है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, सब कुछ है, तो मैं आपसे ये विनती करूंगी कि आप भी सहयोग के बड़े भारी वृक्ष बने और अनेक लोगों का कल्याण करें। अनेक लोगों की इच्छा है, साधना है, सही रास्ते पर लगाकर उनमें असलियत जो है
वास्तविकता जो है वो भरते हैं। इस देश की बड़ी उम्मीद है मुझे, कसर जो फैल जाए तो यहाँ के सारे ही प्रश्न एक साथ छूट गए, सभी यहाँ तक पैसे के प्रश्न भी छूट। आश्चर्य की बात, लगन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ पूछे नहीं, पर कोई भी जो सहयोगी है ऐसा नहीं जिसके पास नौकरी, जो सहयोग में आते उसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि परम चैतन्य जो इसकी सरकार बड़ी जबरदस्त है। आप अगर भगवान के दरबार में आ गए तो आपकी एक एक चीज को इतनी सुंदरता से देखेंगे, छोटी छोटी चीज भी इतनी बढ़िया बना देंगे कि आप कहीं ये कैसे बने, ये कैसे हो। देहरादून के प्रति लोगों का यह कहना है कि यहाँ लोग बड़े अंग्रेज हैं और इसलिए ये सहयोग में नहीं आ सकते, और जब इंग्लैंड में आ गए तो यहाँ के अंग्रेज क्यों नहीं आए, साहब लोग हैं यहाँ सब लोग, ऐसा करते ऐसा मुझे थी। मैंने बहुत साहब आ गए, इसमें कितने सारे साहब बैठे हैं यहाँ, तो आप लोग क्यों नहीं आएंगे अंदर, तो आप हृदय में तो आप हिंदुस्तानी हैं। ये बड़ी भारी गौरव की बात है, ये समय आया हुआ है और इस समय में कार्य होना है। अब दिमागी जमा खर्च इसमें नहीं है, दिमाग से परे बुद्धि से परे आपको जाना, अगर आप कहें ये कैसे वो कैसे इसका कोई जवाब नहीं, आप बताइए ये फूल कैसे बन गए, बताइए जीवन तक लिया उसको आप कैसे बताए। बहुत से डॉक्टरों को भी हम बता सकते हैं सहयोग से अनेक रोग चीज, अरे आपके यहाँ के लीडर ही हैं आप जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर था वो ठीक होगा, मैंने नहीं किया। इसी प्रकार आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, बौद्धिक स्थिति ठीक हो जाती है, सामाजिक राजकीय सबसे अधिक तो आध्यात्मिक, जिससे आनंद का स्रोत और प्रेम अनुकंपा अनुराग कंपैशन सबके लिए ऐसा बहता है, ऐसा मजा आता है, फिर इतने संतोष में मनुष्य आ जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि अंदर वो देवदूत ही है समझ। आप सब इसी काबिल हैं और इसको आज आप प्राप्त करें। क्षमा कीजिए इस बार एक ही दिन के लिए मैं आई हूं, पर अगले समय और भी दिन के लिए यहाँ जरूर रहूंगा, क्योंकि पिछली मर्तबा मैं 3 दिन के लिए थी, 3 दिन तक बीमारी लोग आते रहे, कोई कायदे के आई नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई बीमारी के सिवा इंसान रहते हैं कि नहीं रहते, 3 दिन उन्होंने सिर्फ बीमारी की, ये बीमारी ठीक करो वो बीमारी ठीक करो, और फिर वो आते नहीं सर। अब ऐसा है कि कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि जो दिवे दिए जलने ही नहीं वाले उनको ठीक करने से क्या फायदा भाई, जो दिए जलेंगे उन्हीं को ठीक करें। आशा है आज तो बहुत यहाँ हेल्दी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ कि आप लोग इसे प्राप्त करें। और फिर क्या करना पूछा तो मैंने कहा अब मौज करो बस, लेकिन ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए जिससे आपकी प्रगति होगी। और ध्यान में क्या करना है यहाँ लोग बताएंगे, ऐसे तो मैंने जाने हजारों लेक्चर हिंदी भाषा में ही दिए हैं और भाषा में दिए हैं, उसके आपको टेप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, पर पहले आपको जमना पड़ेगा। तो पहली स्थिति आती है उसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, जिसमें कि निर्विचारिता आ जाती है, आप प्रेजेंट में आ जाते, और दूसरी स्टेज को कहते हैं निर्विकल्प, जिसमें आपके कोई विकल्प ही नहीं रह जाता, आप जान जाते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के अधिकारी आपने प्राप्त कर लिया। ये दोनों स्थितियां किसी किसी को एक साथ ही आ जाती, ये तो उनके गहरेपन पे पूर्व जन्म के पुण्य को मैं निर्भर हूं, पर कोशिश करने से सभी लोगों को निर्विकल्पता आ जाती है, और उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। हमजद अली का नाम आपने सुना होगा, ये पहले बिल्कुल बजाना ठीक से नहीं बजा पाते, अब उनका नाम कितना है, उनके साथ में भी सफात हुसैन खान साहब उनका भी यही हाल है, बहुत सारे
हिंदू है, मुसलमान है, सब लोगों ने इसे प्राप्त, सूफियों ने इसे प्राप्त किया है। और इस तरह से सब समझ गए हैं कि हम लोग जो अपने को अलग अलग समझते हैं, हम एक ही परमात्मा के अंग और प्रत्यय हैं। इसलिए आपके अंदर जो नई धारणा आती है, नया डायमेंशन आता है, वो है सामूहिक चित्त। माने आप दूसरों को भी जान सकते हैं, उनके कौन से चक्र का, आपके भी चक्र आप उंगलियों पे जान सकते हैं, दूसरों के भी जान सकते हैं। अगर आप जान जाए कि किस तरह से अपने चक्र ठीक करने और दूसरों के ठीक करने, तो आप सबकी मदद कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत समय नहीं लगता, थोड़े समय में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। आप जान जाते कौन सी चीज अच्छी कौन सी बुरी, मुझे बताने की जरूरत है। मैं किसी से भी कुछ डोंट बात ही नहीं करती, डोंट कह दिया तो आधे लोग उत्तर चल देंगे आजकल के जमाने में, कौन सुनने चला। इसलिए सिर्फ ये है कि आप कुंडलिनी के जागरण को प्राप्त करो और उसके बाद देखो कि आप क्या, फिर अपने प्रति इतनी श्रद्धा, इतना गौरव और इतना मान आ जाता है कि आदमी गलत रस्ते जाते ही। चित्रवणी सहस्त्रपुरी श्री माता जी, हमें तन नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, प्रत्यहंकार नहीं, दोषी नहीं, क्रोधी नहीं, ये शरीर नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, कोई उपाधि नहीं, हम केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा है माँ, हम केवल आत्मा है, हम केवल शुद्ध आत्मा है। पूर्ण निर्देश श्री माता जी का आभार व्यक्त करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें आपके प्यार का आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं माँ। कृपया आप सदा सर्वदा के लिए ऐसे हम पे आपके प्यार की वर्षा करते रहने की कृपा कीजिए और हमें हमारे जीवन में एक पल के लिए भी आपके साम्राज्य से अलग ना होने दें माँ। जय श्रीमती जी, अभी हमने ध्यान से पूर्व तीन ग्रंथों का जिक्र किया, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब सहयोगी का चित्त सांसारिकता में रहता है, सांसारिक बाधाओं में, चिंताओं में, इनमें लीन रहता है, तो हमारे बाएं भाग पर एक ग्रंथि का निर्माण हो जाता है जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि के निर्माण होने के फलस्वरूप यह हमारा चित्त आत्मा से परमात्मा में लीन होने में ये रुकावट पैदा करती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्त हमारी आत्मा में और परमात्मा में लीन रखना चाहिए। दूसरा,
जब हमारे जीवन में हम कर्ता भाव रखते हैं, अहंकार रखते हैं, तो एक दूसरी नाड़ी का हमारे ये पिंगला नाड़ी में दूसरी ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, जिसको विष्णु ग्रंथि कहते हैं। इसके निर्माण से हम परमात्मा के कार्य करने में बाधा आती है। तीसरा, परमात्मा की खोज के प्रति हमारे दुनिया भर के बनावटीपन रहते हैं। जैसे हम झूठ मूठी कहते रहेंगे, हमने ये कर दिया, हम इतने मंत्र लेते हैं, ये कार्य करते हैं, फला करते हैं, तो उससे हमारे मध्यम भाग में तीसरी ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, उसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं। यह हमारी आत्मा और परमात्मा से एकाग्रता स्थापित होने में बाधा पहुंचाती है। तो हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रयास करने चाहिए कि हमारा चित्त सांसारिकता से हटके हमारी आत्मा में लीन रहे, हम परमात्मा के कार्य का माध्यम बन के कार्य करें और हमारे सभी तरह के बनावटीपनों को दूर कर दें। ये बिल्कुल सत्य और शाश्वत है कि जब परमात्मा को हम हमारे बल बुद्धि विवेक हमारे शरीर शोषण से नहीं पा सकते, जब हमारा जहाँ हमारी बुद्धि खत्म होती है, हमारे प्रयास खत्म होते हैं, वहाँ से परमात्मा की बुद्धि शुरू होती है, परमात्मा की कार्य प्रणाली शुरू होती है, परमात्मा के प्रयास शुरू होते हैं। यह भी सत्य है कि भगवान और भक्त के बीच में नहीं हो कोई भी नहीं होना चाहिए, और आत्मा और परमात्मा के बीच में भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति को, व्यक्तिवाद को, व्यक्ति के विचारों को या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं हमें किसी भी तरह के ग्रुप से या और दूसरे तीसरे इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिकता में रहना चाहिए और सामूहिकता को ही महत्व देना चाहिए, जिससे हम सामूहिक रूप से होके परमात्मा के चरणों में रहकर उनके कार्य का माध्यम बन सके। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष
प्रणायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय पुनः पांच मिनट के ध्यान में रहेंगे।